कोलगेट पड़ोसन की पसंद। क्या बात है, आज काम धंधे पर नहीं जाना है क्या? अर्चना मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी नरम है। क्यों, क्या हुआ? हाँ। कल रात तक तो घोड़े जैसे तंदुरुस्त थे। देखो अर्चना, हिटलर एक रात में सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गया था, एक रात में मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी तबीयत नरम क्यों हुई है। ये बुखार प्रिया नटराजन के आने की खबर सुनकर आया है। अच्छा, तो विजय कुमार जी भी बीमार हो गए हैं, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? क्या है ना भाभी, बदन की चर्बी दिमाग पर चढ़ ही जाती है। चुप, चलो चुपचाप काम पर जाओ और खबरदार जो रात होने से पहले वापस आए। सुना, ये रूल तुम पर भी लागू होता है। संजना जरा सोचो, प्रिया जी आएगी और घर का एक भी मर्द मौजूद नहीं होगा तो उन्हें कैसा लगेगा? अच्छा, प्रिया जी हाउसवाइफ की ट्रेनिंग लेने आ रही है, बैंडिट क्वीन बनने नहीं, जो उसके सामने गोली खाने मर्द हाजिर हो जाए। अबे खरबूजे, अभी निकल जा सुम्मे, रात को तो वो यहीं रहेगी ना। हाँ, यू आर राइट, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। टू नाइट्स थ्री डेज पैकेज डील है। अरे बिजू, बिजू मेरे भाई, चल चलते हैं। बिजू, प्रिया नटराजन के चक्कर में हम लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है, अब ज्यादा उठाना नहीं है। हाँ? चल भैया, पलटी क्या बात है? अरे तू बाहर चलना, सब समझाता हूँ, चल। अर्चना, प्रिया जी को मेरा सलाम बोलना और मेरा प्यार कह देना। क्या कहा? स्लिप ऑफ टंग। हाँ हाँ, दिल की बात जुबा पर आ ही जाती है। चलो निकलो। अच्छा चल चल। भाभी, कहीं हमने रुई के ढेर में बैठकर चिंगारी को न्योता तो नहीं दिया ना? हाँ, मुझे भी डर लग रहा है, हाउसवाइफ का ट्रेनिंग लेते लेते सौतन का रोल करने लगी तो। हम आ गए जानेमन, हम आ गए। तो क्या आपको सर पर उठाकर नाचे? क्या मतलब जानेमन? ये आज का पहला लेसन है, हाउसवाइफ खाना कम और झिड़कियाँ ज्यादा खाती है। ओह, आई सी। मैडम, ये फर्स्ट लेसन नोट कर लूं? हाँ, नोट करो जानेमन, नोट करो। पर इसे क्यों साथ लाई आप? जानेमन, ये हमारा सेक्रेटरी है। हाँ। सेक्रेटरी चमचा। हाउसवाइफ सिर्फ किचन के चमचों से काम चलाती है, उनको ऐसे चमचों की जरूरत नहीं होती। जानेमन चंपक, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैडम, मैं कह रहा था कि आइयो, तुमने सुना नहीं बेबी ने तुमको क्या बोला? Out you go! और इस वजनदार आइटम को भी अपने गोडाउन में भेज दीजिए। हाउसवाइफ अपनी माँ को सिर्फ अपने पति की बीमारी में या बच्चों के वेकेशन पर ही मिलती है। जानेमन मम्मी, तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। अयो बेबी, अगर हम चला गया तो तुम्हारा आराम का कौन ख्याल रखेगा? उसकी फिक्र मत करो, चाचा नेहरू ने दिया हुआ नारा आराम हराम है, हिंदुस्तान में सिर्फ हाउसवाइफ ही मानती है। आप जाइए। हाँ जाइए जाइए, अपने तबेले में जाके आराम कीजिए। जाओ मम्मी जाओ। ठीक है बेबी, हम जाता है, अगर तुमको कुछ काम हुआ तो हमको मोबाइल पे इन्फॉर्म करना, हम दौड़ा हुआ आएगा। अरे अरे अरे, दौड़ना मत। क्यों? वैसे भी बरसात की वजह से मुंबई की सड़कें चांद की धरती हो गई है। मम्मी जानेमन, अब जाओ भी। बेबी हम जाते, बेबी टेक केयर। प्रिया जानेमन आओ भी। ओह थैंक यू, बैठ कर बातें करेंगे। थैंक यू। हाँ, तो अब आपका एक एक लेसन लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाउसवाइफ का पहला काम होता है तेरी मेरी करना। ये तेरी मेरी करना क्या होता है जानेमन? आपको तेरी मेरी करना मालूम नहीं? कैसी औरत है आप। तेरी मेरी का मतलब है एक दूसरे के बारे में बुरी भली बातें करना। जैसे कि जानेमन? जैसे कि आपने सुना वो रमोला है ना, रमोला? होगी जानेमन, हमें क्या? उसे बस स्टॉप की बुलबुल कहते हैं। क्यों भी क्यों? क्यों? उसकी बालकनी बिल्कुल बस स्टॉप के सामने है और वो पूरा दिन बालकनी में खड़ी रहती है। उसे देखने 3-3 किलोमीटर से मर्द लोग उसी बस स्टॉप पर बस पकड़ने आते हैं। ओह आई सी जानेमन, जानेमन हम कल ही चक्कर चलाकर वो बस स्टॉप अपने घर के सामने शिफ्ट करा लेते हैं। और वो अपरा है ना, अपरा, उसका पति पड़ोस की कामवाली के साथ गुप्त फिल्म देखने गया था। क्यों 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 क्यों? ये अपरा के घर में नौकरानी नहीं है? हाँ, अपरा के घर में नौकर है जिसके साथ अपरा यस बॉस देखने गई थी। ओह आई सी, नौकर के साथ यस बॉस देखने गई थी। अब हमारी समझ में आया जानेमन की ऐसे शहरों में ऐसी फिल्में हिट कैसे हो जाती हैं। इसे ही तो तेरी मेरी कहते हैं। अब आप भी कुछ सुनाइए ना। वो हमारी मम्मी है ना, मम्मी। हाँ हाँ।
वो तुम लोगों के ससुर पर मरती है। प्रिया जी, इसे तेरी मेरी नहीं, इसे मेरी मेरी कहते हैं। अपने घर की पोल नहीं खोलते, दूसरों के घर की बातें करते हैं। ठीक है जानेमन, हम कल ही एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करके ये पूरी सोसाइटी का पोल जान लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में तेरी मेरी करेंगे। क्यों? ओके ओके, चलो अब दूसरा लेसन किचन में। हम आपको खाना बनाना, चाय बनाना सिखाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कच्ची। हाँ, ये लो पकड़ो, बर्तन में डालो और घुमाओ। ओ, अरे अरे, उल्टा पकड़ लिया। ये लो, जैसे ही उबाल आए चूल्हा धीमा कर लेना। चूल्हा? लेकिन चूल्हा कहाँ है जानेमन, ये तो गैस स्टव है। हाउसवाइफ्स माइक्रोवेव ओवन को भी चूल्हा ही कहती है। अरे देखो, उबाल आ गया। अरे मैंने तुम्हें धीमा करने के लिए बोला था, बंद कर लेकिन नहीं। इतनी बड़ी गधी हो गई है, चूल्हा धीमा करना नहीं आता? क्या कहा जानेमन? हाउसवाइफ्स को उसकी जेठानी या सास ऐसी ही डांटती है। लेकिन हमें कोई इस तरह से डांटे तो हम उसे गोली छोड़ा दे। हाउसवाइफ बेलन से मारा मारी करती है। तो कहाँ है बेलन जानेमन, कहाँ है बेलन? बाद में देंगे, चलो पहले सो जाते हैं। सो जाते हैं? दोपहर के 2 बजे? दोपहर को सोना और बरगद के पेड़ की तरह फैलना ही हाउसवाइफ का जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो सो जाते हैं। चलिए। अब शाम होने आई, पति के आने का वक्त हो गया। अब बार बार घड़ी देखो और दरवाजे पर खड़ी रहकर उसका इंतजार करो। और जैसे ही वो आए, पानी का ग्लास भरकर उनके सामने ले जाओ और जैसे ही एक घुट मारे कि बस शुरू हो जाओ। क्या जानेमन, प्यार करना? चुगली करने। तुम्हारा भाई ये बोला, तुम्हारी भाभी ने ऐसे डांटा, तुम्हारी माँ ने ये किया, हमारी पड़ोसन ने ये खरीदा, वो खरीदा, वगैरह वगैरह। लेकिन जानेमन, ये पति बेचारा क्या करेगा? अरे कुछ नहीं, छोटा सा झगड़ा होगा। वो देखो मेरे, वो आ रहे हैं। जानेमन बहुत हो गई थ्योरीज, अब क्यों ना प्रैक्टिकल किया जाए। पानी का ग्लास हम लेकर आएंगे। ओके। आ गए। आ गया। क्या करके आए? अरे पहले एक ग्लास पानी तो पिलाओ, बाद में रिपोर्ट कार्ड निकालना। जी, पानी। प्रिया जी, आप मेरे लिए पानी लेकर आई? कोलगेट, पड़ोसन की पसंद।